स्पीड, फुल स्पीड में जा रही भाई सेजल की ट्रेन, सेजल। और मैंने भी ले लिया भाई, ये तस्वीर ले लिया, तो ये तस्वीर लगाने से बहुत अच्छा होता है बोलते। बॉक्स में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग टून बॉय में आपका स्वागत है। मैं सुमित गुरुंग आपके साथ आपके लिए नए नए व्लॉग बनाते रहता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो गाइस, अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पर नए हो, अगर तो अगर आपने मेरे व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टून बॉय को, तो सब्सक्राइब कर दो। और आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है, तो गाइस ये है बहुत स्पेशल चीज मेरे लिए, तो ये बहुत कीमती चीज है मेरे लिए, क्योंकि जिस चीज को मैं चाहता काफी टाइम से लेने की, तो वो मैंने सो ले लिया है। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हो आप क्या होगा, कमेंट करके बता दो। अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी, तो फटाफट से अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना गाइस, तो लाइक कर दो। लाइक इसलिए गाइस, लाइक से मुझे भी थोड़ा मोटिवेट होता है कि भाई हाँ हाँ वीडियो कैसी बन रही है। और कमेंट करके बताना मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, कैसी मुझको वीडियो बनानी चाहिए प्लीज वो भी बताना। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। और गाइस हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को देखते ही देखते हो ना, तो भाई आप लाइक जरूर करके जाना। इधर तो आओ, आप कहाँ जा रहे हो जैकेट जींस शूज पहन के, कहाँ जा रहे हो भाग्य सेजल? तो सेजल पता नहीं क्यों नाराज हो रखे दोस्तों, और वो ना तो अंदर चली गई है। तो कोई बात नहीं, फटाफट से जो है ना बॉक्स में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो गाइस ये है बॉक्स, और देखो इसमें क्या है, ये 1 2 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 फाइनली जो मुझको चाहिए था, काफी टाइम से मैं लेने की सोच रहा था, वो मैंने ले लिया। ये देखो, और ये देखो इसका कलर कैसा लग रहा है आपको, इसको शूज को क्या बोलते हैं बताना। इसका नाम मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग नाम जो उसका आर से स्टार्ट होता है। तो गाइस मेन वजह है इसकी जो एक कलर है ब्राउन कलर के, थोड़ा से बूट टाइप के भी है। और आपको एक कलर कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलर, मतलब इस कलर के मिल नहीं रहे थे जल्दी से, तो फटाफट जाके मैंने और भी काफी उसमें ट्राई किया, तो अब जाके मुझे एक कलर मिला है तो ब्राउन कलर का है। इस शूज का नाम क्या है वो लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसको आर से बोलते हैं, और ये प्योर लेदर है गाइस, वारंटी है इसकी भी, वारंटी दे रखी है पूरी। और इसको इसकी ग्रिपिंग जो है ना, ये अब बर्फ पड़ने वाली है ना, तो वहाँ बहुत काम आने वाला है मेरे, तो वहाँ जब मैं जाऊँगा तो ये ग्रिपिंग जो है वो कितना मोटा का किसी का पड़ गया ना गाइस, ये तो फिर खत्म। अभी जो मैंने पहना है मैं आपको दिखाऊँ मैं किस चीज में आऊँ, जींस टी शर्ट और जींस पहना है। और देखो नीचे ये देखो अभी लुक कैसा लग रहा है, जींस में लाल चप्पल में पैसे काले काले दिख रहे हैं। तो मैंने पहन लिए भाई सूट, और ये देखो भाई कैसे लग रहा है भैया, और आवाज आ रही है इसमें देखो राजा वाली टकड़क 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 घोड़े की तरह आवाज आ रही है, सुनाओ। ये देखो ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे लूंगा ना मैं, ये देखो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाई एक नंबर शूज है भाई, बहुत मजा आ गया पहन के, इतना कंफर्टेबल है ना ये, इतना कंफर्टेबल है ये, देखो कैसा लग रहा है, देखो मेरे मेरे पैर में। और भाई देखो ऐसा है ना, ठाकुर वाली फीलिंग आ रही है पूरी भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। और ये जो ज्यादा जचेगा ना इन कारों में नहीं जचने वाला पहन के, इसमें घूमने का मजा जो असली मजा है ना वो अपनी बाबू में है। तो अभी तो फिलहाल मेरी बाबू बाहर है मार्केट में, तो अभी तो मुझे इससे जाना पड़ेगा या इससे जाना पड़ेगा, दोनों में से यही है। एक पुष्पा भी हमारे पास, मैं पुष्पा दिखा दूँ आपको, ये है हमारी पुष्पा उधर खड़ी हुई लाल कलर की, वो है पुष्पा। पुष्पा पुष्पा तो हम चलाते नहीं भाई, पुष्पा भी लगता है डर, पुष्पा पे भरोसा नहीं, पुष्पा घिरा भी देती है ना, छोटे छोटे उसके पैर है। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहना, और हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक, तो ये इंस्टाग्राम आईडी हमारी टून बॉय के नाम से, यहाँ पर जाकर मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए किसी काम के, पूछना हो आपको मेरे से, तो आप मुझे उससे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो फॉलो करके। क्या बात है सजल, क्यों सड़ा सा मुंह बना रखा तुमने है? अरे मार रहे हो क्या, क्या बात है, आज तो जैकेट सैकेट जींस लगा के शूज पहन के। हाँ भाई क्या बात हो गई, कहाँ जा रहे हो तुम भी तैयार होके बैठे हुए भाई, पर मैं तैयार हो तो आप भी बैठोगे क्या है? क्या हुआ, ले जाना है घूमने जाना है क्या, घूमने जाना है? ओ माय गॉड कैसे रो रही हो भाई, जाना है कि ये रहना है, क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोलते क्यों नहीं, नहीं जाना है तो सेजल नहीं जा रही, आप चलोगे ठीक है। क्यूट शानी, ओए रोट। सो गाइस देखो ना सब के सब पीछे बैठ गए, आगे की सीट पूरी खाली है, सेजल का मुंह देखो कैसा हो रहा है, रोतू जैसा आ रहा है। तो भाई प्लानिंग मेरी थोड़ी चेंज हो गई है, सेजल और सानवी भी और उसकी मम्मा बैठ गए पीछे, कह रहे चलो भाई घूमने के लिए। तो गाइस भागवत भैया के पास चलते हैं पहले, तो क्योंकि ना मेरे फोन का जो टेम्पर है ना वो टूट गया है, और उसका ना टेम्पर चेंज करवा देता हूँ यार, क्योंकि ना
टेम्पर बहुत जरूरी है यार, फोन गिर गया ना तो डिस्प्ले जा सकती है। तो गाइस भागवत भाई के यहाँ पहुंच गए गढ़वाल मोबाइल में और यहाँ पे कराएंगे हम अपना टेम्पर चेंज। ये देखो गढ़वाल मोबाइल रायपुर में है। क्या हाल है भैया? नमस्कार सर, क्या हाल है आपके? टेम्पर चेंज कर दो मेरे फोन में सर, लाओ उधर लो। भाई सेजल पहुंच गए भाई अपने नानी के घर में और शान भी बैठी हुई देखो अपने मामा के पास है भैया। हाँ भाई, ये देखो तो मामा को पहचानते इसलिए मामा के पास जल्दी से आ गई है, वरना आती नहीं हर किसी के पास। शान भी गई है भाई अपने नाना के पास, नाना बाजे पापड़। और भैया क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, नाना को भी पहचान गए भैया। ये बाबू को तो मैं चला नहीं पाया लेकिन देखो यहाँ क्या चला रहा हूँ मैं तो आज जो है इस शूज से ना मैं ये चला रहा हूँ, देखो साइकिल चला रहा हूँ भाई, बेबो की साइकिल है और ब्रेक भी नहीं लग रहा है भाई, डर लग रहा है भयंकर वाला। तो ये है भाई हमारा समर्थ भाई। क्या वैसे साइकिल में चलने का मजे कुछ हो जाए, बिना पेट्रोल डीजल और बिना बैटरी के खूब मजा आता है, मतलब पैडल मारते हो चलते जाओ। ये देखो भाई साइकिल चला रहे हैं। और भैया हाँ भाई कहाँ चल दिए, पतंग तो उड़ा लो। हाँ पतंग नहीं उड़ा रहे हो, दून बॉय। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल गए भाई नवादा से और अब हम जा रहे हैं मार्केट, सेजल को घूमना है फिरना है, मार्केट में चलते हैं। क्या बज गया? आपको क्या झूला झूलना है? 3 बज गए, 3 बज गए, 3 बज गए, बहुत टाइम है ना, चलते हैं ठीक है ना। तो गाइस वीडियो में बने रहना आप लोग और सेजल के साथ, आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करो। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं भाई देहरादून परेड ग्राउंड में और हम जा रहे हैं भाई, पहाड़ी मेला लगा हुआ है बहुत तगड़ा वाला। तो सेजल कह रहे सेजल को झूलना है वहाँ पर झूला, तो अभी हम पहुंच गए भैया यहाँ पर परेड ग्राउंड में और शान भी जो है सूर्य गाड़ी गाड़ी लगी हुई भयंकर चारों तरफ, ये देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में गाड़ी गाड़ी लगी हुई है, सामने तंबू सा गाड़ रखा है इन्होंने कुछ। तो गाड़ी पार्क कर दी हमने पीछे ही और अब जा रहे हैं भाई अंदर। तो यहाँ से इसका मेन गेट है और ये देखो पहाड़ी मेला 2022 4 नवंबर से 13 नवंबर तक, यानी कल तक है, संडे तक है, आज 12 तारीख है। सेजल जा रही है भाई, भाई कहाँ दिल्ली जा रहे हो कि मुंबई जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बता दो। तो गाइस सेजल की ट्रेन देखो कितनी लंबी है, सवारी बैठ गई आगे से लेकर पीछे तक, सेजल बैठी है बीच वाले में। सेजल अकेले हो, डर तो नहीं लग रहा? तो गाइस यहाँ से लेना पड़ता है टिकट, ये भाई दे रहा है टिकट, 50 रुपीज का एक टिकट है भाई ट्रेन का। ओ आ गई है भैया सेजल, वहाँ से आ रही है ट्रेन से बहुत स्पीड, फुल स्पीड में आ रही भाई सेजल की ट्रेन। सेजल खूब मजा आ रहा है सेजल को और अब सेजल बैठ गई भाई दूसरे वाले झूले में। ये देखो कार वाला भैया, ये सेजल क्या हुआ, गिरना मत। ये है पेंटिंग की दुकान, खूब सारे पेंटिंग बना रखे भाई ने, तगड़े तगड़े वाले पेंटिंग। तो मैंने भी यहाँ पे एक पेंटिंग लिया है भाई, वो लिया है पेंटिंग। पेंटिंग क्या लिया है वो आपको मैं घर जाकर बताऊंगा, तो आप ब्लॉग में बने रहना। तो भैया ने बढ़िया से पेंटिंग पैक कर दिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मिलते हैं फिर। तो गाइस हम लोग निकल गए भाई मेले से, खूब इंजॉय कर लिया, सेजल ने झूला झूल लिया और सेजल कुछ खा रही है और मैंने भी ले लिया भाई ये तस्वीर ले लिया। तो ये तस्वीर लगाने से बहुत अच्छा होता है बोलते हैं, मैंने हमारे घर में है नहीं है तस्वीर, मैंने कभी लगाई नहीं और मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन फिर भी मैंने आज जो है ना ये तस्वीर ले लिया मैंने इसकी। तो इसकी अनबॉक्सिंग जो है ना घर पर जाकर करेंगे, मैंने क्या लिया इस पर आप लोग तब तक अंदाज़ा लगाओ, कमेंट करो और वीडियो पे बने रहो, वीडियो पर लाइक करो, चैनल पर नए हो मेरे दोनों में तो सब्सक्राइब करो, दोनों भाई को दे दो पापा को, ओ भाई दे दो पापा को। अच्छा और आप तो खा ही रहे हो, सेजल तो खा ही रही है भैया। हाँ पापा को दे दो, पापा को दे दो, ओ भाई दे दो पापा को, ओ भाई बहुत बदमाश हो रही है भैया, बिल्कुल दे नहीं रही है। सेजल पापा को तो खिला दो थोड़ा सा, दोगे? तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और सेजल लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं, मेरे को भी कपड़े चेंज करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो आपसे प्रॉमिस किया था ये फोटो ये तस्वीर में क्या है इसमें वो मैं आपको दिखाया था। गाइस करते हैं फिर से 3 2 1 ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो 3 2 1 तो गाइस ये देखो कितनी सुंदर सी पेंटिंग है, ये देखो, ये देखो वाइट घोड़ा भैया, वाइट घोड़ा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना और आप लोगों को क्या लग रहा था इसमें क्या होगा वो भी कमेंट करके बताना, या आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था पहले ही बताना मुझको। तो गाइस मुझको ये बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने कर दिया बढ़िया से और ये प्राइस भी ठीक था इसका, नॉर्मल प्राइस था। तो ये मुझको पड़ा है गाइस 250 के रहते हैं, लेकिन मैंने जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से लोकली हूँ तो उन्होंने मुझे 200 लगा दिया, मैंने कहा 200 कर दूँगा, मैंने गूगल पर उनको 200 रुपये कर दिया था। और इससे बड़ी पेंटिंग भी थी, वो महंगी थी काफ़ी, लेकिन मैंने मेरे कहा जब लगाना है तो मैंने कहा फिलहाल जो है इसको लगा लेते हैं और जो अच्छी लगी, तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी वहाँ। तो पेंटिंग कैसी लगी आप लोग गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइस आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं,
तो गाइस आज सेजल के साथ पूरा दिन गया और उनके साथ सेजल के साथ पहले नानी के घर गए, उसके सेजल के उसके बाद उसकी जिद थी कि झूला झूलना है तो झूला वगैरह झूला, गाड़ी में घूमी पूरा मेला वेला, उसके बाद आए हम घर। तो अब हो गए काफ़ी शाम और काफ़ी थक चुके हैं। तो आप लोगों के लिए अब ये करते हैं हम ये वीडियो को, अब एडिट भी करना है तो एडिट करता हूँ इस वीडियो को। तो गाइस यार वीडियो कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना, चैनल पर मेरे नए हो दोन बॉय में तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।